नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 में शिमला शहर को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर राज्य के लोगों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की है। इस उपलब्धि पर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग ने देश के 56 शहरों को इनमें शामिल किया था, जिनमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 44 शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले 12 राज्यों की राजधानियां शामिल थी। उन्होंने कहा कि ये सूची गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, सस्ती और सुलभ ऊर्जा और जलवायु जैसे मापदंडों के तहत शहरों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस सूची के मूल्यांकन के लिए 46 लक्ष्य और 77 संकेतक निर्धारित किए गए थे और शिमला शहर को 100 में से 75.50 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बेशक हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या गांव में वास करती है, परंतु देश के विकास में शहर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नीति आयोग ने इंडो जर्मन विकास निगम के अंतर्गत GIZ और BMZ के सहयोग से सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक से संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज श्री विद्यासागर भार्गव द्वारा रचित कविता संग्रह मेरी तुम्हारी कहानी कविता की जुबानी का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि ये काव्य पुस्तक पाठकों को पसंद आएगी। उन्होंने श्री भार्गव को उनके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनसेवा और जनकल्याण के मूल मंत्र को समक्ष रखकर कार्य कर रही है। सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को गति और नई दिशा मिली है। वहीं राज्य के लोगों के कल्याण में ये योजनाएं वरदान सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ ही मुख्यमंत्री हिम केयर योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री हारा योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। इन योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क उपलब्ध हो रही है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के उपचार में मुख्यमंत्री सहारा योजना जरूरतमंद लोगों का सहारा बनकर उभरी है। पेश है एक रिपोर्ट। कागज पर लिखी योजना जमीन पर उतर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश की संवेदनशील सरकार निर्णायक पहल कर रही है। सरकार की सबसे लोकप्रिय सहारा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए अब पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है। अगर आप सरकार की किसी योजना के पात्र हैं और उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो अब ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की मदद से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आप तक योजना का पूरा लाभ पहुँचे। सरकार ने ग्राम पंचायत प्रधानों से सहयोग की अपील की है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी मदद करें। अब राज्य में गांव स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें सहारा योजना के तहत लाभ मिल सके। भौगोलिक रूप से दुर्गम पहाड़ी राज्य में योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नेतृत्व अगर संकल्पबद्ध हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बौनी हो जाती है। जयराम सरकार ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में ये साबित किया है। मुख्यमंत्री सहारा योजना राज्य के उन लोगों के लिए बड़ा सहारा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास इलाज करवाने की व्यवस्था नहीं है। ये योजना उन्हें फ्री में इलाज तो मुहैया करवाती ही है, साथ ही 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद भी देती है। मेरे भाई प्रेम सिंह कैंसर के मरीज है, उनके लिए जो सहारा योजना 3,000 रुपया कैंसर लगी है, प्रेम सिंह का जो इलाज है वो भी फ्री हो रहा है। सरकार हमारे बारे में सोचती है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं जयराम ठाकुर जी का। हमारी जो सहारा पेंशन लगाई है और गरीब लोगों के लिए काफी सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। कैंसर, पार्किंसन, अधरंग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमोफीलिया तथा थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों को शामिल किया है। योजना के तहत किडनी की गंभीर बीमारी अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। राज्य में जिन लोगों की सालाना आय 4,00,000 रुपए तक है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य में 16,000 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
गरीबों की मददगार बनी जयराम सरकार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1139 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 274 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 864 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 38,33,616 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 36,06,040 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,26,706 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,22,076 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 791 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।